हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। आज फिर से मैं एक न्यू सब्जेक्ट के वीडियो के साथ अवेलेबल हुई हूं। एंड वो सब्जेक्ट का नाम है ECO02, जो कि BCA और BCom BA में अवेलेबल है ये सब्जेक्ट कोर्स। ठीक है, सो इसके सजेशन, स्ट्रेटजी, टिप्स वगैरह सारे के सारे अनसॉल्व, स्पेशली सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो वीडियो में क्या मैं बताती हूँ उसको बिना स्किप किए देखना प्रॉपर। एंड जो भी मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह, नोट्स वगैरह, प्रैक्टिस सीट वगैरह मैं दूंगी, वो उसको प्रैक्टिस करना। ओके, सो ये पेपर 2 घंटे का होता है, मार्क्स इसका 50 है। ठीक है, ये 50 मार्क्स का है। इसको पास करने के लिए आपको 20 मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, 20 नहीं लाओगे, 19 लाते हो तो आप फेल हो जाओगे इस सब्जेक्ट में। ओके, इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, जिसमें जो 1 नंबर क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, उसको आपको अटैम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि इसमें से कोई भी, इन 4 क्वेश्चन में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आपको ईजी ये एक्सप्लेनेशन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा। एंड ये जो 2nd नंबर क्वेश्चन है ये भी थोड़ा ईजी हो जाएगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताना है कि अकाउंटिंग का क्या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एंड अब ये 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी आप 4 बना सकते हो। ठीक है, ओके, सो एक सेकेंड। ठीक है, तो इस पेपर को स्ट्रेटजी करने की क्या है, आप लोग अगर कॉमर्स से होंगे या आर्ट्स से, इकोनॉमिक्स से होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो तो कॉमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। बट क्या होता है ना कि अगर आप आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स यू पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा। ठीक है, सो यही चीज़ है। सो ये जो आपको इसमें जो होता है ना कि आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दूंगी, और ये ब्लॉक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा, ब्लॉक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉक 1 में आपको यूनिट 1 में मिल जाएगा, व्हाट इज अकाउंटिंग, मेंशन थ्री ऑब्जेक्ट एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ठीक है, एक्सप्लेन फॉलोइंग कंसेप्ट, ये सारे के सॉल्यूशन मैंने भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको, उस वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट जो है हमारा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बस एक बार वीडियो देखने की ज़रूरत है, मैंने सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट सारे को क्लियर किया है। ठीक है, ये भी आपको PDF जो है आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो जो और जो हमारा प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो भी आपको मिल जाएगा, आपको ये वाला भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ठीक है, जॉइंट वेंचर से, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एंड आते हैं फिर क्वेश्चन पेपर पे। आपको यहाँ चैनल पे दिख जाएगा प्लेलिस्ट भी, सो आप यहाँ से अपने प्लेलिस्ट को जितने भी हो सकते हैं आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करवा रखा है बहुत सारा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैं प्रॉपर्ली आपको वहां शो कर दूंगी। ठीक है, एंड आज का हमारा टॉपिक है कि आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर के पीछे कम पड़ो, खुद से सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश करो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व चेक कर लो कि कैसे क्वेश्चन है और कैसे आंसर्स को लिखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंस में सॉल्यूशन करवा रखा है प्लेलिस्ट में। ठीक है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करके डाल दूंगी वीडियो, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड इसके स्ट्रेटजी में क्या कहूँ, आप एक क्वेश्चन आंसर याद करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये एक ऐसा बुक है जिसमें आप अपने अपने मन से भी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या हो, क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि, हो सकता है कि पहले मैं आप लिख सकते हो कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट, है ना। इट इज़ सेकेंड में आप लिमिटेशन में लिख सकते हो कि अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलीजेबल वैल्यूज। थर्ड में आप लिख सकते हो अकाउंटिंग इग्नोर्स द इक्वालिटी एलिमेंट्स एंड इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ लेवल चेंज, है ना। इट्स मे लीड ऑफ विंडोज रेशिंग,
तो ऐसे ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बी नंबर में कहता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन द ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं? कॉस्ट हो सकता है, गोइंग कॉन्सर्न कंसर्न हो सकता है, मैचिंग हो सकता है, एक्चुअल हो सकता है ना, मनी मेजरमेंट्स हो सकते हैं, एंटिटी हो सकता है, मटेरियलिटी हो सकता है, ठीक है, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है, ड्यूअल एक्सेप्टेशन हो सकता है, रियलाइजेशन हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ होते हैं, सात आठ होंगे, वो आपको याद करने होंगे। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आप उसको भी लिख सकते हो, बट मैंने लिमिटेशन भी पे वीडियो भी है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करूँगा, प्लीज़ उसको कन्फर्मली देखना। देख लोगे, एक दिन का ये बुक है, आप प्रॉपरली कर सकते हो, ठीक है। एंड ड्यूअल कॉन्सेप्ट में आप क्या कर सकते हो, कि ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यूअल कॉन्सेप्ट इन अनदर मीनिंग में आप कह सकते हो कि डैट ऑल आर शर्ट ऑफ द बिजनेस और आर आइदर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ फंड ऑफ द ऑनर ऑफ फ्रॉम द फंड ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है। तो इस और ये यू नो इसके बेसिक थीम क्या होते हैं, क्रेडिट और डेबिट होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन के थ्रू ये कन्फर्म होता है एंड इसके कुछ फॉर्मूलाज है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्वालिटी, ठीक है। इस बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग का, ठीक है, इसको भी आप प्रॉपरली क्लियर कर लेना। और देखते हैं इसमें से आप बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें चार आपको बनाने होंगे, तो आप बना लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपको बीसीएस 11 के लिए भी चाहिए तो मैं शाम तक ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व है ना, वो आपको शाम तक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अभी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, अगर होता है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।